सर, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने इस अवसर पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अपनी जो हमारी अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, उनका आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री है, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे इस हाउस में आने का अवसर दिया। मैं हिमाचल विधानसभा से आई थी, वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में मुझे बहुत अंतर दिखाया। अलूवालिया जी कह रहे थे कि मेजॉरिटी की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ यहाँ लंग पावर की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिसके पास लंग पावर है वो कोई भी काम में रुकावट डाल सकता है। ये आज हमें सोचना है। आज हमें बिल्कुल सोचना है, और बिल्कुल ठीक कहा, इकट्ठे होके सोचना है कि देश की भलाई के लिए हमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। केवल पार्टियों में बट के नहीं रह जाना चाहिए। आज भारत की जनता हमारी तरफ देख रही है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझती हूँ कि मैं उस ऐतिहासिक एक्ट बिल की भी साक्षी हूँ, जहाँ 33% जो है महिलाओं को दिया गया। अभी तक वो लोकसभा में नहीं पास हो सका, लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि 33% महिलाओं के लिए जो यहाँ हमने पास किया वो एक ऐतिहासिक था, जिसकी मैं भी एक हिस्सा थी। लेकिन मैं अध्यक्ष जी से ये कहूँगी, 33% तो देख नहीं सके, लेकिन कार्रवाई के लिए इन महिलाओं की तरफ ज़रूर देख लिया करें, इनको भी मौका दे बोलने का, जिससे कि ये उसके साथ भागी हो सके। मैं ज़्यादा ना कहते हुए फिर एक बार सबका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमें एनकरेज किया, उपाध्यक्ष जी ने भी और भी साथियों ने। अब जब नए नए आए थे हमें सीखने के लिए, आज मैं प्रिय रंजन दास मुंशी जी को भी और सुरेश पचौरी जी को भी याद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें एनकरेज किया किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि विधानसभा और यहाँ की में बहुत फ़र्क है। और साथ में मैं राज्यसभा के स्टाफ का भी आभार प्रकट करती हूँ, और जिस तरह से आलूवालिया जी ने सभी का आभार प्रकट किया उसमें शामिल होती हूँ। आलूवालिया जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी अलविदा मत कहो दोस्त, ना जाने कहाँ फिर मुलाकात हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।